हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं मैग्निफिसेंट फोर रीलोडेड की, जिनके की शोज के बारे में बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं। 19th का शो कैंसिल कर देना पड़ा था क्योंकि जो ऑफिशियली कहा गया वो ये कहा गया, ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड टू द O2 लंदन रूफ वी रिग्रेटफुली अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ द मैग्निफिसेंट फोर रीलोडेड कॉन्सर्ट एट इंडिगो एट द O2 London on Saturday, 19th February 2022. All tickets for the show will be refunded from the point of purchase. ठीक है, क्या किया जा सकता है, मौसम ने दगा दे दिया। अब अच्छी खबर ये कि द मैग्निफिसेंट फॉर रीलोडेड कॉन्सर्ट एट डी मॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर ऑन संडे 20th February 2022 विल गो अहेड एज पर द शेड्यूल। मतलब आपको अच्छी कुछ चीज देखने को मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। अब फ्रेंड्स, ये जो 19th का शो कैंसिल हुआ, पहले कहा जा रहा था कि कहीं कोई रीशेड्यूल होने के चांसेस हैं। सो जो मेरे सोर्सेस बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो 19th का शो था, मोस्टली उसको 25 तारीख के लिए लॉक किया जा रहा था। अब 25 तारीख का मतलब ये कि 22 का जो पवन अरुणिता का इसराइल कॉन्सर्ट है वो, और 22 का जो लता मंगेशकर स्पेशल कॉन्सर्ट आपके निहाल और SNP का है वो, उसके बाद एक और कॉन्सर्ट को लिया गया रीशेड्यूल करने के हिसाब से। थोड़ा सा मुश्किल संभव समझ में आता है क्योंकि इसराइल से ये लोग वापस आएंगे क्या, पवन अरुणिता एंड विल दे ज्वाइन SNP एंड निहाल। प्रॉब्लम आना जाना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को अपने US के जो टूर है उसके वीजा के काम के लिए मुंबई आना है, क्योंकि पूरी टीम को जब जाना होता है तो पूरी ग्रुप को अवेलेबल रहना होता है वीजा सेंटर में। अब चूंकि 4th का इनका शो है आगे का, तो सर्टनली इनको वैसे ही ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि बहुत अजीब सी गड़बड़ है, दया ऐसी वाली सिचुएशन में आ गए हैं। और सर्टनली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट तो रहा है उन लोगों के लिए, और थोड़ा सा दिल दुखता है उन लोगों के लिए जो 19th का शो वो देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और अब वो इतनी खूबसूरत आवाजें एक साथ नहीं सुन पाएंगे। चलिए ठीक है, फिंगर्स क्रॉस रखिए, हर कलाकार के लिए फिंगर्स क्रॉस रखिए। और इसमें पता है मुझे क्या नजर आता है, मतलब व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं स्कूल या कॉलेज कर रही थी, मुझे फरवरी महीना अच्छा नहीं लगता था। और वो इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पढ़ाई के लिए ना एक दिन दो दिन तीन दिन कम पड़ते थे। अब फरवरी महीना होता ही 28 का है, तो 29 30 और 31 भी हो जाते तो क्या चला जाता फरवरी महीने का। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, न दर्शकों की है न ऑर्गेनाइजर्स की है, क्योंकि वो हर तरीके से म्यूजिक को उस देश में लाना चाह रहे हैं, और ना ही दर्शकों की है जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं अच्छे गाने अच्छी आवाजों को सुनने के लिए, नई और यंग जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि प्रॉब्लम इस मौसम की वजह से हुई, यानी कि प्रॉब्लम इस फरवरी महीने की वजह से हुई। क्या कहते हैं, कैलेंडर बदल दें। अच्छा, इस बीच एक और चीज जो मेरे पास मेरे सोर्सेस के जरिए आई है वो ये भी है कि सिर्फ 19th का इन मैग्निफिसेंट फॉर रीलोडेड का ही शो कैंसिल नहीं हुआ है, वहां पर 19th के ही दिन एक और AP ढिल्लन करके एक आर्टिस्ट हैं, उनका भी शो कैंसिल करना पड़ा था बिकॉज ऑफ जो भी O2 में जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो भी छत टूट गई या जो डैमेज हुए हैं उसको देखते हुए। फिर बाद में तय ये किया गया कि AP ढिल्लन जो है उनका जो शो है वो 22 तारीख को रीशेड्यूल किया जाए। चलिए, अब इस जीवन के रंग अजीब, यही बात कह सकती हूं मैं। आपका क्या कहना है, लिख कर बताइए। जय हिंद।